opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricket Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. उस बल्लेबाजी कार्ड को दोबारा देखें और एक नाम जिससे सबको उम्मीदें थी और हम यही बात करते आ रहे हैं कि भाई विराट कोहली को इस फॉर्मेट में बहुत समय मिलेगा। शुरुआत उनकी भी बहुत अच्छी हुई, 25 गेंदें खेल ली उन्होंने, सेट हो गए, कुछ शॉट्स भी बहुत अच्छे लगाए, जो ड्राइव कर रहे थे वो डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर वो जो बाहर की गेंद है, वो जो बाहर की गेंद को छेड़ने की उनकी थोड़ी सी आदत शायद वापस आ रही है। निराश होंगे आज अपने आप से, क्योंकि समय था आपके पास, टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं था, प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। बिल्कुल निराश होंगे और हम सब भी निराश हैं, क्योंकि आज लगा था एक दो जो स्ट्रेट ड्राइव मारा था कि विराट कोहली लय में आ सकते हैं, क्षमता में कोई कमी नहीं, स्किल है, क्लास है और परफॉर्मेंस ही पीछे बहुत है, पर वो टेम्परेट शायद बन गया उनका कि ऑफ स्टंप के बाहर चौथे स्टंप या लेफ्ट आर्म की फोर्थ स्टंप पे गिरी हुई बॉल को वो छेड़ते हैं। बहुत बार इंग्लैंड में देखा गया विराट कोहली कैसे आउट हुए, एक टेस्ट सीरीज ध्यान हो जैसे जिमी एंडरसन लगभग हर इनिंग उनको एक जैसा ही आउट किया, ये बॉल भी थोड़ा बाउंस था ऑफ स्टंप के बाहर, ऐसा लगा मुझे दृष्टि में देखे कि उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे, कंट्रोल हुई नहीं क्योंकि बाउंस था यहाँ पर, और उससे पहले भी दो बॉल बीट हुए थे। तो इंग्लैंड ने तो प्लान बना के आए थे विराट कोहली के लिए, क्योंकि उनको भी पता कि कितना बड़ा बल्लेबाज है ये, और उसको लाइटली नहीं लिया उन्होंने कि चलो इन आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया, प्लान बनाया था, उसको एग्जीक्यूट किया। विराट के लिए अब हर दिन ना थोड़ा थोड़ा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन था उनके लिए और ऐसी इनिंग बहुत खेलते भी आए हूँ, ऐसी परिस्थिति में सिचुएशन में मैच जिताते हुए लेके, और आज लय भी लग रहा है, तो अप्रोच उनका ठीक था, बॉडी लैंग्वेज में एकदम पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन शायद गेम प्लान थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, टाइम खराब चल रहा है। जब टाइम खराब चलता है ना तो बहुत दिक्कत होती है आपको, आपकी एक गलती आप पे भारी पड़ती है, तो उस गलती को आप ना करें वो बेटर है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विराट को। और विराट कोहली भाई चेज मास्टर हैं, ऐसी चेजेस तो नींद में एस करते थे एक समय पर, और प्रज्ञान शायद इसीलिए शायद खुद से आज बहुत निराश होंगे, क्योंकि सारा मौका था, स्टेज सेट था, ऊपर के विकेट्स भी गिर गए थे, वो खुद कहते हैं कि मुझे प्रेशर सिचुएशन में खेलना बहुत पसंद है, प्रेशर सिचुएशन थी, स्टार्ट मिल गया बल्ले से, रन्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो बाहर की गेंद छूने की आदत सी आ गई है उनको वापस, उससे वो खुद भी बहुत निराश होंगे। बिल्कुल निराश होंगे, लेकिन मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ, जब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बैट्समैन क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या रहती है, उस चीज़ में मैं बड़ा डिस्कशन करता था बैट्समैनों से। तो एक बार इंग्लैंड में ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो मैंने राहुल भाई से बात की थी, तो राहुल भाई ने कहा कि एक बड़ा अंतर है इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट प्लेयर्स और जो सेना कंट्रीज के प्लेयर हैं ना, उनमें अंतर ये है कि वहाँ का कंडीशन ऐसा होता है ना कि वो बॉल छोड़ते छोड़ते सेट होते हैं, और जो सबकॉन्टिनेंट का प्लेयर होता है ना, उसको बॉल जब तक बल्ले पे मिडिल पे बॉल नहीं लगता, वो साउंड नहीं सुनता, तब तक वो सेट नहीं होता है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराट कोहली का वो भी एक है ना कि रन नहीं बन रहे तो थोड़ा बॉल बैट पे लग जाए, तो शायद कहीं उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा चेज कर रहे हैं, जो नॉर्मली वो चीज़ चेज करते नहीं थे पहले, अगर करते भी होंगे ना इतना डेस्परेट नहीं होते होंगे कि मुझे रन बनाना है, अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है, सारे बात कर रहे हैं कि विराट के रन नहीं बन रहे, वो खुद भी माइंड में चलता है, आप कितना भी स्विच ऑफ कर ले, लेकिन माइंड में वो चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे मुझे वो फील वापस लाना है अपने में, क्योंकि पहले जब फील आएगा तब उसके बाद आप रन बनाते हैं। बॉलर के लिए भी वो हाथ से छूटने का फीलिंग जब अच्छा होता है ना, फिर वो प्लान करता है मैं अटैक कैसे करूँगा, तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ में वो उलझ गए हैं। कितनी दिलचस्प बात है ये, नहीं क्रिकेट हम देखते हैं, हमें लगता है भाई 12,000 रन है विराट कोहली के, मतलब एट विल शॉट्स लगाते हैं, एट विल गेंदबाजों को टीज करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अपनी चेजेस को एस करते हैं, डोमिनेट कर खेलते हैं, और यहाँ देखिए जब रन्स का पैच नहीं आ रहा है, खराब पैच ऑफ फॉर्म चल रहा है, समय अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं डेस्परेशन आ गया है, विराट कोहली द ग्रेट विराट कोहली में डेस्परेशन आ गया है, लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा ही होता है। और बाबर आजम ने, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने उनके लिए एक मैसेज भेजा है, देखते हैं क्या बोला है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एक ट्वीट करा है, उन्होंने कहा है कि भाई दिस टू शैल पास, और ये बात सच है, स्टे स्ट्रॉन्ग उन्होंने कहा है, और ये बात सच है, आप सब और आपने हाईएस्ट लेवल पर इतना क्रिकेट खेला है, दौर आता है और सबके साथ आता है, आप ग्रेटेस्ट हो, हम ग्रेटेस्ट का भी नाम लें, सचिन तेंदुलकर के करियर में कई बार ऐसा दौर आया, इससे उभर कर आप आते हैं तभी आप चैंपियन। बिल्कुल दौर सबके लाइफ में आता है, और विराट के साथ अच्छा ही है कि इतना बड़ा परफॉर्मेंस पीछे के, दौर लंबा भी होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इतने मौके मिलते रहे, मिल रहे हैं मौके, आप किसी और खिलाड़ी के शायद बहुत मुश्किल होता है इतना लंबा, अगर फ्लॉप है तो शायद दोबारा कभी टीम का पार्ट ना होता, पर विराट के पास वो कुशन है,
और जिसकी वजह से उनको मैच भी मिल रहे हैं और उनको मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, यानी कि कोई नहीं कह सकता विराट मेहनत नहीं कर रहे हैं या फोकस नहीं है, सब कुछ है। और ये समय निकल ही जाएगा, बस ये समय जल्दी से कट जाए, हम सब तो यही उम्मीद करेंगे, और जल्दी से कट जाए, इसमें कुछ कुछ रन आते रहें।